जय श्री गणेश जी दोस्तों, मेरा नाम है आचार्य संध्या सक्सेना। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक चैनल से हूँ। आज हम बात कर रहे हैं आपके राशिफल की, जिनका नाम है धनु। धनु राशि के जातक उनका कैसा रहेगा दिन समय वो मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे हमेशा से रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चैनल पर आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन की बेल नहीं दबा पाते हैं। उसके से क्या होता है कि जब भी कोई नया वीडियो डलता है तो उनको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, इस तरह से वो वीडियो को मिस कर जाते हैं। मेरे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डलते हैं, अगर आप चाहें तो आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं धनुराशि वालों की, और साथ में एक और रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको कोई समस्या है तो आप 8126476699 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। तो बात कर रहे हैं धनुराशि वालों, कैसा रहेगा आपका टाइम। तो आपके दिन अच्छे हैं, किसी पुरानी बीमारी या किसी पुरानी समस्या से आपको निजात मिल सकती है, आराम महसूस होगा। पैसे को कमाने की तीव्र इच्छा आपको होगी तो आप कमा भी लेंगे। मन में अगर आपकी इच्छा है कि हम पैसा कमाऊं तो आप कमा लेंगे। हो सकता है आपके घर में कोई गेट टुगेदर हो, कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको दूरी बना के रहनी चाहिए ऐसे लोगों से जो आपकी ज़िंदगी में खलल महसूस कर सकते हैं, खलल डालते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो इरिटेटिव होते हैं, परेशान करते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए। और जो भी आपकी स्थिति है, जो भी आपकी परिस्थिति है, उसे घबराइए मत। जीवन साथी के साथ आपका जो भी व्यवहार है उसमें थोड़ा नकारात्मक हो सकता है, प्रेम के मामले में भी थोड़ा नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि प्रेम और जीवन साथी ये दो आपके फेवर में नहीं है। लेकिन अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी भी तरह कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्वास्थ्य, धन संपत्ति, परिवार और व्यवसाय, ये चारों आपका बहुत अच्छा है। प्रेम और जीवन साथी के रूप में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेंगे, धन संपत्ति आएगी, नया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, पैसा भी आएगा, परिवार के साथ खुशी माहौल रहेगा, हंसेंगे, खुशहाल रहेंगे, परिवार के साथ अच्छा टाइम बीतेगा और आपका व्यवसाय भी अच्छा जाएगा। बस आपका प्रेमी संबंध और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है तो क्या करना है उसके लिए बता देती हूँ। ब्लाइंड स्कूल हो, ब्लाइंड कोई सोसाइटी हो, वहाँ पे जाके थोड़ा दान कीजिए, थोड़ी उनकी सेवा कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। ब्लाइंड से मतलब दोनों आँखों से अंधे का है, एक आँख का अंधा नहीं होता, एक आँख काढ़ा होता है, उसकी नहीं बोरी मैंने दोनों आँखों वालों का बोला है, इसका आप करिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा कीजिए, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। शिव जी का ध्यान कीजिए और ये कीजिए। तो ये आप दोनों ही देख लीजिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई समस्या है तो 8126476699 पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा।